सर प्लीज स्टार्ट क्लब मित्र इनिशिएटिव में हमने अपने ऑडिट दिवस की शुरुआत इसी से की है। हमने शुरुआत की है कि हम डल के क्लीनिंग से अभी हमने एक रन किया, वो रन फॉर एनवायरनमेंट था, और दूसरा ये एक्टिविटी है डल की क्लीनिंग का। तो इसको रखने का पर्पस ये है कि डल इस सिटी का और पूरे इस स्टेट का ये हार्ट है, तो इसी से बहुत सारी चीज़ें हम डिराइव करते हैं, हमें आइडेंटिटी देती है, हमारे टूरिज्म को आगे ले जाती है। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा ओनरशिप होने की ज़रूरत है और हमें इसके लिए थोड़ा फील करने की ज़रूरत है कि हम भी इसको सस्टेनेबल रखें। ऑडियो दिवस जो है वो फाउंडेशन डे है जिसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ CAG को कमेमोरेट किया जाता है, उनकी फाउंडेशन को। एंड ऑडिट दिवस मनाया जाता है पूरे मुल्क में 16 नवंबर में, इट इज़ फॉलोड बाय ऑडिट वीक। तो आज जो है हमारी ऑडिट वीक की शुरुआत हुई थी, इट वाज स्टार्टेड विद एन ऑडिट मैराथन, एक रन हुआ था विच विल बी फॉलोड बाय अ क्लीनलीनेस ड्राइव ऑफ डल लेक। और जो रन हुआ था इट वाज विद अ पर्पस, द मोटो ऑफ द रन वाज रनिंग फॉर अ क्लीन टुमारो, क्योंकि हम मानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के नाते हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जो इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज़ है उसमें अवेयरनेस, क्योंकि यहाँ पर ड्रग एडिक्स भी, ड्रग्स का भी है, बहुत से चीज़ें हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं। व्हाई डोंट वी स्टार्ट दिस स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के साथ हम यहाँ पर एक नया दौर कायम करेंगे। valuable asset to the society, who has encouraged me and everyone who is with him, who resides with him, to donate to a wonderful cause. I think there's a lot happening in the world right now, so anything that I can do from my यूसन अपना फाउंडर्स डे मनाता है, तो हमने सोचा कि इसको एक दिन की बजाय एक वीक कर लेते हैं, और उसमें हमने बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ प्लान की। उन सबों का स्पिरिट ये है कि देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुड गवर्नेंस के लिए है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जो सरकार का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट सारे स्कीम्स हैं, उसका सारा बेनिफिट सिटीजन्स को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, जो दूर दराज गाँव में भी रहते हैं, और उस तरह से। तो हमने सोचा कि इस वीक में दो तरह के चीज़ करने, क्योंकि इस वीक का थीम है कोलैबोरेशन फॉर गुड गवर्नेंस। तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको अपनी तरफ इंगेज करा जाए, और ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे कुछ डायरेक्ट फ़ायदा हो और कुछ ध्यान भी आकर्षण हो। विच इज़ एन आउटरीच इवेंट फॉर आर स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, क्योंकि हम समझते हैं कि यही कल के ऑडिटर्स भी हैं, यही कल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी बनेंगे, और इन जनरल जिम्मेदार शहरी भी हैं। तो उनमें अवेयरनेस होना चाहिए कि ऑडिट क्या है, इसका रोल क्या है, एंड व्हाई दे शुड बी इंटरेस्टेड इन इट। इसके अलावा हम उनके लिए एक करियर काउंसलिंग सेशन भी करना चाहेंगे। हम उन्हें ये बताएंगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में उनके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और वी आर ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी डिबेट कॉम्पिटिशन फॉर देम, जिसमें हम यही चाहते हैं कि यूथ को एक इंकरेज भी हम करें, और जो हमारी बेस्ट टीम्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनको फेलिसिटेट।